जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो दोस्तों, हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए जीके और जीएस का क्लास कर रहे हैं, उस क्रम में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। इसके पहले भी हमने बहुत सारा वीडियो बनाया है, आप जा कर के देख सकते हैं। इसमें हम लोग जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं सबको विस्तार पूर्वक हल करते हैं और समझते हैं। इसकी पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम पर आपको सर्च कर लेना है @ लगा के KGW 2023, ठीक है, या फिर @ लगा के पूरा चैनल का नाम कन्हैया जीएस वर्ल्ड है, या फिर टेलीग्राम पर भी मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना देरी के हुए हम लोग शुरू करते हैं, और आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर यह रहा। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तक कर लिया था, ठीक है, 50 क्वेश्चन है तो ज़्यादा लंबा वीडियो 1 घंटे से ऊपर का हो जाएगा, इसीलिए हम लोग तोड़ करके 2 भागों में कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आज का है, और यहाँ पर देखेंगे तो 25वां क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को करते चलिए, बाकी कितना आपका सही होता है कमेंट बॉक्स में आप सभी को जरूर बताना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि थाल घाट दर्रा, ठीक है, थाल घाट क्या है, दर्रा है, मुंबई और किस शहर को जोड़ता है। तो देखिए, दर्रा जो है, यहाँ पर देखेंगे आप भारत का नक्शा देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको नीचे वाला एरिया मिल जाएगा। इधर है पूर्वी घाट, ठीक है, इधर है पश्चिमी घाट, ठीक है, इधर क्या है, किनारे किनारे पर बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, और पर्वत के बीच की जगह को हम लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए 2 पर्वत है और इसके बीच में जो जगह बच जाता है आने जाने का रास, इसको हम लोग दर्रा कहते हैं, ठीक है, या फिर घाट दर्रा कहते हैं। तो वही पूछ रहा है कि पाल घाट, थाल घाट दर्रा मुंबई और किसको जोड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर पश्चिमी घाट में 3-4 दर्रे पड़ते हैं, सबका पहले हम नाम लिख लेते हैं फिर सबके बारे में बताएंगे। जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे थाल घाट दर्रा, ठीक है, थाल घाट, फिर उसके बाद आता है भोर घाट, फिर उसके बाद आता है पाल घाट, ठीक है। दर्रा क्या है पता है ना, दर्रा का मतलब, दर्रा का मतलब 2 पहाड़ों के बीच में जाने वाला स्थान जो सका होता है, एक होता है सेनकोट्टा, सेनकोट्टा, ठीक है। तो देखिए, जो थाल घाट दर्रा है वह किन किन शहरों के बीच में है, तो यह जोड़ता है मुंबई और नासिक को, ठीक है, मुंबई और नासिक को जोड़ता है। और जो भोर घाट है यह किसको जोड़ता है, तो मुंबई और यहाँ पर क्या पड़ता है, पूना, ठीक है, पूना या फिर पुणे कह लें, इसको जोड़ता है। और पाल घाट दर्रा है यह किसको किसको जोड़ता है, तो पाल घाट दर्रा आपका चला जाएगा केरल में, यह केरल और केरल तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य यहाँ पर इन सबको जोड़ता है। सेनकोट्टा जो है यह अभी केरल और तमिलनाडु, केरल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु को जोड़ता है। तो बाकी यह सब आप नोट करेंगे, आगे के क्वेश्चन में यह सब पूछ सकता है, ठीक है। तो थाल घाट किसको किसको जोड़ता है, तो मुंबई और नासिक को जोड़ता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक वाला बटन है उसका भी उपयोग जरूर करें, लाइक का बटन दबा दें, ठीक है। बाकी नेक्स्ट भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27वां, और 27वां क्वेश्चन कह रहा है चिल्ला चिल्ला करके कि बताइए हमारा जवाब क्या होगा। तो निम्नलिखित, ठीक है, में से क्रिकेट विश्व कप से संबंध नहीं है। तो क्रिकेट वालों, आईपीएल वालों, बताइए क्रिकेट विश्व कप से संबंध कौन सा कप नहीं है, ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, कलिंग कप, या फिर देवधर ट्रॉफी। तो देखिए, ईरानी भी क्रिकेट में होता है, रणजी भी होता है, देवधर भी होता है, लेकिन जो कलिंग कप है, कलिंग कप यहाँ पर क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है। तब पूछेगा कि कलिंग कप किससे संबंधित है, ठीक है, तो कलिंग कप यहाँ पर किससे संबंधित, तो फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है कलिंग कप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने 28वां, और यहाँ पर आ गया बायोलॉजी से क्वेश्चन, ठीक है, बायोलॉजी से क्वेश्चन, यहाँ पर क्रोमोसोम गुणसूत्र वाला आ गया, पूछ रहा है कि पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद होते हैं, ठीक है। तो देखिए, यक्स यक्स,
एक्स वाई, ठीक है, यह पुरुष में होते हैं और यह महिला में। यदि पुरुष का यक्ष और महिला का यक्ष बना, गलत हो गया, उल्टा बता दिया, ठीक है, पूछा है पुरुष में ना, तो देखिए यक्ष वाई और यक्ष यक्ष, यक्ष वाई किस में होते हैं, पुरुषों में होते हैं, और यक्ष यक्ष किस में, महिलाओं में, ठीक है। यदि पुरुष का यक्ष और महिला का यक्ष बना तो यहाँ पर क्या, लड़का यानी कि गर्ल का जन्म होगा, और पुरुष का यक्ष और महिला का, पुरुष का वाई महिला का यक्ष, ठीक है, तो यहाँ पर किसका, वाई का यहाँ पर जन्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पुरुषों में सेक्स जीन क्या होता है, तो पुरुषों में सेक्स जीन यक्स वाई होता है, 28 का सी सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29वां आता है, कह रहा है कि भारत, बेल्जियम और स्पेन, तो हट जा भाई, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय शासन का उपयोग किया जाता है। तो भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय शासन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो 29वें का सही जवाब बताइए क्या होगा, 29वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर, संघीय रूप से प्रशासित विधि, ठीक है। और पूछ ले कि संघीय जो शासन है भारत किस देश से अपनाया है, तो जो संघीय प्रणाली है, संघीय प्रणाली भारत किस देश से अपनाया है, संघीय प्रणाली, तो भारत ने कनाडा नामक देश से यह प्रणाली को अपनाया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पाटलिपुत्र की स्थापना यहाँ पर अजात शत्रु ने की थी, ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, अजात शत्रु ने, यक्ष यक्ष यक्ष, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 31वां, देखिए क्वेश्चन बढ़िया आ गया, यहाँ पर आपको आर्टिकल याद करने को मिलेगा, ठीक है। भारत की आकस्मिक निधि यानी कि एक बैग, अचानक आकस्मिक निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक होता है आर्टिकल नंबर 266 और एक होता है 267। 266 में क्या है, संचित निधि का वर्णन है, संचित निधि यानी कि जो भी खजाना इकट्ठा होता है, मुद्रा संचित होता है उस, और 267 में क्या है, आकस्मिक, ठीक है, तो आकस्मिक निधि पूछा है ना, तो 200 यहाँ पर 67 ऑप्शन नंबर ए वाला को गोला मार दीजिए, 280 पूछे तो इसमें किसका वर्णन है, इसमें वित्त आयोग का वर्णन है आर्टिकल नंबर 280 में, ठीक है। 263 पूछा है तो इसमें क्या है, इसमें है अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है, तो 31वें का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है, तो 31वें का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो हमने 263 बताया वह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि एजुका जोन पब्लिकेशन की है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह बुक इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए है, और यहाँ पर आपको जो भी प्रीवियस ईयर को पेपर हुए हैं यहाँ पर आपको मिलने वाला है, आप देख सकते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर के नीचे आपको इसका डिटेल सोल्यूशन भी मिलता है, जो कि आपकी तैयारी में और अधिक आपको मजबूत बनाता है। इसके अलावा एजुका जोन पब्लिकेशन का स्टडी गाइड बुक भी आता है, आप यहां पर देख सकते हैं, तो स्टडी गाइड बुक भी आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। बुक लेने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप अपने नज़दीकी पुस्तक भंडार पर जा करके एजुका जोन पब्लिकेशन की यह बुक ले सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए। क्वेश्चन नंबर 32वां आएगा और कह रहा है कि नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप से जुड़े हुए हैं, ठीक है,
तो देखिए नाइजर और जिम्बाब्वे, ठीक है, नाम से ही पता चला है नाइजर, नाइजर नदी के किनारे स्थित है। जिम्बाब्वे यह कहाँ पर स्थित है, तो यह दोनों देश जो हैं अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ लेगा तो कौन होगा, सबसे बड़ा महाद्वीप होता है एशिया, ठीक है, एशिया, छोटा होता है अफ्रीका, ठीक है, एशिया अफ्रीका, फिर होता है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद होता है यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, यह भी पूछ देता है क्रम। उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है, अंटार्कटिका। फिर क्या है, ऑस्ट्रेलिया। फिर क्या है, यूरोप, ठीक है। तो इस प्रकार से सही जवाब आप लगा सकते हैं, कहाँ पर स्थित है, अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33वां आता है और कहता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग, कौन आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड जज, या फिर उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज, या फिर सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश, या फिर दीवारा। तो बताइए 33वें का सही जवाब क्या होगा, 33वें का सही जवाब हो जाए, देखिए राज्य की बात किया है ना, तो राज्य की बात किया है तो यहाँ पर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जो भी रिटायर्ड जज होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34वां आपके सामने आएगा और कहेगा कि भैया हमारा भी उत्तर बता दो, ठीक है। 34वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य शासक था, वो आसान सा सवाल है, मौर्य का अंतिम शासक कौन था, ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। 34वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बृहद्दत्त, ठीक है, बृहद्दत्त था और इसको, इसके सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, इसका सेनापति था, इसको मार दिया तलवार, पीछे से मार दिया तलवार, और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना किसने किया, पुष्यमित्र शुंग ने। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्दत्त, और स्थापना पूछे तो चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य थे इसके संस्थापक। 35वां क्वेश्चन आएगा और कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है, तो यह भी बढ़िया क्वेश्चन है, तो नदी बंदरगाह पूछ लिया, ठीक है। तो देखिए भारत का जो निचला यानी कि दक्षिण वाला हिस्सा है कुछ इस प्रकार से है, और यहाँ पर नीचे इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, और इधर हो गया अरब सागर, ठीक है, अरब यानी कि दोनों ओर समुद्र है। तो क्या होता है कि इधर जहाँ पर साइड साइड समुद्र रहेंगे तो बंदरगाह यानी कि जहाज रुकने का स्थान भी बनाया जाता है। तो पूछ रहा है कि कौन सा एक नदी बंदरगाह है, देखिए इधर आप सबको पता है यहाँ पर क्या है, पश्चिम बंगाल, और इधर से गंगा नदी बहते हुए आती है, ठीक है, और यहाँ पर गिर जाती है। तो क्या किया गया है, यहीं पर एक बंदरगाह बना दिया गया है, नदी बंदरगाह, ठीक है। तो नदी बंदरगाह पूछे तो कौन सा हो जाएगा, कोलकाता, ठीक है, और इधर इसको कहते हैं पश्चिमी घाट, इसको कहते हैं पूर्वी घाट। इधर बहुत सारे बंदरगाह, जैसे आपको गुजरात में मिल जाएगा कांडला बंदरगाह, ठीक है, और यहाँ पर मुंबई में जवाहरलाल नेहरू और नहवा सेवा मुंबई बंदरगाह, उसके बाद यहाँ पर आप गोवा में आएंगे तो मारमा गोवा बंदरगाह, ठीक है, यहाँ पर केरल में आएंगे तो कोचीन बंदरगाह, और इधर तमिलनाडु में तुतिकोरिन वगैरह बंदरगाह हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत सारे बंदरगाह दोनों घाटों पर स्थित हैं, ठीक है, और यहाँ पर उड़ीसा तो भूल गया, उड़ीसा में कौन सा है, पारादीप। तो आप सभी को नोट करेंगे 35वें का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 36वां है और 36वां कह रहा है कि किस राज्य में मधुबनी, ठीक है, आसान सा सवाल है, यदि बिहार वाले आप होंगे तो आप बता देंगे किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है। तो मधुबनी चित्रकला कहाँ पर प्रचलित है, तो यह फेमस है बिहार राज्य में, जी हो बिहार के लाला, ऑप्शन नंबर डी। 37वां क्वेश्चन है और कह रहा है कि कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं, तो जब कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को यहाँ पर क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है, ठीक है, हिंदी वाला स्वर व्यंजन नहीं बल्कि स्वर टोन वाला, यहाँ पर 37वें का ए सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन आता है, 38वां क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नलिखित में से किस महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है। ठीक है, तो सबसे लंबी तटरेखा किस महासागर की है, तो अंटार्कटिका है। ठीक है, अंटार्कटिका है कि अटलांटिक है। ठीक है, किस महासागर की सबसे लंबी सीमा है, तो 38वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, अटलांटिक महासागर। ठीक है, इधर यदि हम एशिया बना लें और इसके नीचे बना लें अफ्रीका, इधर हो गया उत्तरी अमेरिका, इधर हो गया दक्षिणी अमेरिका, तो जो यह वाला यश आकार का सागर पड़ता है इसी को हम लोग कहते हैं अटलांटिक महासागर। ठीक है, इसकी क्या है तटरेखा, सबसे लंबी है और यश आकार का है, यह भी पूछ लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो देखिए 2011 की जनगणना पूछा है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31.16% है। अब यहाँ पर घनत्व भी पूछ देता है, जनघनत्व और लिंगानुपात। ठीक है, यह दो चीज पूछता रहता है। तो देखिए जनघनत्व कितना है, 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग देखेंगे तो जनघनत्व यहाँ पर हो जाएगा 382। जनघनत्व क्या हो जाएगा 382, यानी कि प्रत्येक किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, ठीक है, कितने लोग निवास करते हैं 382, किसमें किसके संदर्भ में, भारत में प्रत्येक किलोमीटर स्क्वायर पर कितने लोग निवास करते हैं 382। और यहीं पर लिंगानुपात पूछिए तो कितना हो जाएगा 943, कितना पर, यानी कि प्रत्येक हजार पर कितनी महिलाएं हैं 943 है। ठीक है, 40वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग अपना उत्तर सोच करके रखिएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो यह किसके अंतर्गत आता है, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कार्मिक मंत्रालय के हेड कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41वां है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बांगर, ठीक है, कौन सा एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र है। तो देखिए यदि आप हमारे साथ यूपी स्पेशल डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ रहे होंगे तो 7-8 क्लास हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर बांगर खादर हमने मिट्टी वाले चैप्टर में बढ़िया से बताया है। तो देखिए एक होता है बांगर और एक होता है खादर। ठीक है, तो बांगर क्या है, यह उपजाऊ मिट्टी है, और खादर क्या है, कम उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, तो बांगर कहाँ पर पाया जाता है, तो जनरली जब नदियाँ गुजरती हैं, ठीक है, तो नदियों के जो तराई वाला क्षेत्र होता है उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो तराई वाले रीजन में कौन सा पाया जाता है मिट्टी, बांगर। ठीक है, बांगर खादर। ठीक है, थोड़ा उल्टा बता दिए भाई, कहाँ गया दिमाग। देखिए एक होता है बांगर और एक होता है खादर। ठीक है, तो 41वां वाला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, तो 41वां के देखिए इसका जवाब तो हो जाएगा तराई वाला जो रीजन होता है वह बांगर भरा हुआ क्षेत्र है। निम्नलिखित में से एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र है, बांगर खादर। हाँ ठीक है, देखिए हमने क्या पढ़ाया था आपको यूपी वाले मैप में, जो यूपी का मान लीजिए यह मैप है। ठीक है, तो इधर वाला रीजन क्या है, तराई और भाबर का रीजन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े पहाड़ों से जो टुकड़े होते हैं आकर के जमा हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तराई वाले रीजन में। ठीक है, हम लोग भाबर कहते हैं, और नीचे वाला इसके जो होता है तराई वाला आता है। ठीक है, और जब गंगा और यमुना नदियां गुजरती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, बांगर और खादर दो प्रकार की मिट्टियाँ होती है। जो बांगर होता है कम उपजाऊ होता है, और नाम से आ रहा है यहाँ पर खादर, यहाँ पर यह अधिक उपजाऊ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि बांगर भरा हुआ क्षेत्र यह तराई वाले रीजन में ही देखने को आपको मिलता है या निचले क्षेत्र में, यहाँ पर मिट्टियाँ कम उपजाऊ होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, बाकी आप लोग
डिटेल पढ़ना है मिट्टी वाला चैप्टर तो जा करके पढ़ सकते हैं, वीडियो नंबर 6 में होगा शायद, यूपी स्पेशल प्लेलिस्ट में आपको लगा हुआ मिल जाएगा। तो 41वें का सी सही है। बाकी आते हैं 42वां, और 42वां कह रहा है कि वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है। तो वृक्षासन नमों से पता चला है कि वृक्षासन वृक्ष यानी कि पेड़, वृक्ष यानी कि वृक्ष पेड़। वृक्षासन योग किस स्थिति को दिखाता है, तो पेड़ की स्थिति को दिखाता है। 43वां क्वेश्चन आता है और कह रहा है कि डोलू पुनिथा, ठीक है, पूछ रहा है कि डोलू पुनिथा किस राज्य का प्रमुख लोक संगीत परंपरा है। तो डोली पुनिथा किस राज्य का है, तो 43वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर कर्नाटक का है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी हो जाएगा, ठीक है। बाकी कर्नाटक का और भी नृत्य है, जैसे यक्षगान हो गया, यक्षगान बहुत पूछता है कि कहाँ का लोक नृत्य है, तो यहाँ पर कर्नाटक का, ठीक है। तो 43वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर वीर गासे भी है, यह सब कर्नाटक का ही है। क्वेश्चन नंबर 44वां आता है, और 44वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है, यह स्थापित किया गया था वर्ष 1900 किस में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में यहाँ पर स्थापित किया गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और इसके अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है 5 साल होता है या फिर 70 साल, जो भी पहले हो इनका कार्यकाल रहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है। और इसके अध्यक्ष पूछे तो वर्तमान में कौन है, अरुण भाई अरुण मिश्रा। 45वां आता है क्वेश्चन नंबर, 45वां कह रहा है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारतीय वास्तुकार के नियोजन के रूप में किसे जाना जाता है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में, तो 45वें का यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर पीसी महालनोबिस, ठीक है। और यह सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना थी इनको तैयार किसने किया था, इसके जनक कौन थे, तो इन्हीं को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 46वां कह रहा है कि बहुत कम विक्रेता एवं अधिक क्रेता किस बाजार का लक्षण है, यानी कि विक्रेता बहुत कम हो और क्रेता यानी कि लेने वाले बहुत ज़्यादा हों, यह किस बाजार का लक्षण है। तो यह लक्षण किस बाजार का है, नाम से ही पता चल रहा है कि बेचने वाले बहुत कम हों, ठीक है, और खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हों, तो यह अल्पाधिकार बाजार का लक्षण है। अगर यहीं पर बेचने वाला केवल एक का होता और खरीदने वाले बहुत होते तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एकाधिकार, लेकिन यहाँ पर बहुत कम का वर्णन किया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा 46 का। 47वां कह रहा है कि भारत सरकार के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है, भारत सरकार जो खाद्यान्न खरीदती है किसके माध्यम से खरीदते हैं, तो FCI, ठीक है, FCI के माध्यम से खरीदती है, यानी कि भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। तो 47वें का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 48वां आता है, और यहाँ पर FCI का पूर्व स्थापना कब हुआ था, तो 1965, इसका आप लोग सही जवाब लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48वां है, और यहाँ पर कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है, यानी कि मनरेगा, ठीक है, MGNREGA, यानी कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कब शुरुआत हुआ था, तो यहाँ पर शुरुआत पूछ रहा है, ठीक है। तो वर्ष 2005 में शुरू हुआ था, और उसमें क्या है कि 100 दिन की आपको रोजगार की गारंटी मिलती है आपके अपने ही क्षेत्र में, मैक्सिमम दूरी 4-5 किलोमीटर हो सकती है, और ज़्यादा दूरी होगा तो उसका अलग से भत्ता मिलता है, ठीक है। तो वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। 49वां है, पूछ रहा है कि सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था, ठीक है। तो सिकंदर, देखिए यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूजन होंगे, यहाँ पर 326 ईस्वी और 326 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व मतलब होगा कि ईसा से इतना पहले, मान लीजिए ईसा 1, 2, 3 आया ना, तो उससे पीछे उल्टे चलता है, तो क्या ईसा पूर्व 326, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। सिकंदर भारत आया था और लगभग कितने दिनों तक रहा है, सिकंदर भारत आया था
और लगभग यहाँ पर 19 माह तक भारत रहा, ठीक है। और किससे युद्ध हुआ, तो पोरस वर्सेस सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ। और इस युद्ध को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वितस्ता या फिर झेलम, वितस्ता या झेलम नदी का युद्ध हुआ था। इसमें क्या है, पोरस क्या किए थे, इसमें विजेता कौन हुआ था, सिकंदर और पोरस, ठीक है। तो वितस्ता का युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग हाइड स्पेस के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। युद्ध के नाम से भी जानते हैं। बाकी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 326 ईसा पूर्व, ठीक है। 49 हो गया। बाकी आज का लास्ट क्वेश्चन आता है, और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर कुछ आप आर्टिकल यहाँ पर पढ़ लीजिए। जैसे एक होता है धन विधेयक की बात करें, तो धन विधेयक किसके अंतर्गत आता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल नंबर 110 के अंतर। यहीं पर वित्त विधेयक की बात कर दें, जो कि इसका वर्णन है वार्षिक वित्तीय बजट, जो कि बजट उल्लेख नहीं है वहाँ पर, ठीक है, संविधान में, तो यहाँ पर 112 आ जाएगा। और यहाँ पर विनियोग की बात कर दें, तो विनियोग आपको किस में मिलेगा, विनियोग आपको किस आर्टिकल में मिलेगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 114 में, ठीक है। तो यहाँ पर विनियोग विधेयक पास करना पड़ेगा पैसा निकालने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। दोस्त अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो बताइएगा कि आपका 25 में से कितना सही हुआ, ठीक है। 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, इसके बारे में भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। बाकी और हम लोग करते रहेंगे कुछ, यदि सुधार करना हो तो आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या इसमें हम सुधार कर सकते हैं, या सब जो चल रहा है। बाकी चैनल पे अभी तक आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और लाइक कर देना है, वीडियो पसंद आए दोस्तों तक शेयर करके इसके बारे में बता देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ते रहिए। जय हिंद।